मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर अभी से सभी विधानसभा में नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। ऐसे ही विधानसभा एक के भाजपा नेता मनोज मिश्रा ने छड़ी निशान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संघ के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा एक में भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज मिश्रा के द्वारा छड़ी निशान का पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तकरीबन बीजेपी के कई नेताओं के साथ ही संघ के भी वरिष्ठ नेता शामिल हुए और समरसता के साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य आज के सामाजिक भेदभाव में जिस तरह की बुराइयां शामिल है और ऊंच नीच छुआछूत के कारण कई लोग दूसरे समाजों से दूरी बनाते हैं, लेकिन यह छड़ी निशान उन बुराइयों को दूर करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज मिश्रा का कहना था कि कई सालों से छड़ी निशान का पूजन कर रहे हैं और बड़ा गणपति चौराहे पर हर साल इनके पूजन के लिए एक अलग से व्यवस्था की जाती है और पूरे शहर की तकरीबन 100 से अधिक छड़ी निशान लेकर यहाँ पर समाजजन आते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनका पूजन किया जाता है। इस साल भी इसी क्रम को लगातार जारी रखा गया। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही महिलाओं ने उसका पूजन कर देश प्रदेश के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बने इसकी कामना की। आज एक सामाजिक समरसता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर एक गांव छड़ी वीर गोगादेव जी की होने वाली है, सभी का पूजन होने वाला है। इसमें सर्व समाज के हिंदू समाज एक सब एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं सामाजिक समरसता को लेके। और आज इस मौके पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि समस्त हिंदू समाज एक है और जो विधर्मी ताकतें हैं वो समाज को तोड़ने की कोशिशें करती है, पर यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से समाज को एक यही संदेश है कि हम सब एक हैं। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत माता की जय। क्या अन्य समाज को भी इस तरह से आयोजन करना चाहिए अपने वहाँ? बिल्कुल, सर्व समाज को और सभी हमारे जो पितृपुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनका सभी का, सभी समाज का की ओर से स्वागत होना चाहिए। और क्योंकि महापुरुष होते हैं, जो भी वो महापुरुष किसी एक समाज के होके नहीं रह जाते। परशुराम जी हैं तो वो सिर्फ ब्राह्मण के नहीं, वो सर्व समाज के हैं। उसी प्रकार जो जितने ही महापुरुष हैं उनका सर्व समाज में स्वागत वंदन होना चाहिए और यही अपने आज की आवश्यकता है। हम हर वर्ष से ये हमारे गोगादेव जी के छड़ी निशानों का पूजन करते हैं, उसी तारतम्य में आज भी हमने यहाँ पर गोगादेव जी के 51 छड़ी निशान का पूजन यहाँ पर बड़ा गणपति चौराहे पर हम कर रहे हैं। पूजन तो पूजन की विधि से करा जा रहा है। हमारे आदरणीय संघ के पदाधिकारी आए हैं, उन लोगों के द्वारा भी पूजन किया जा रहा है। छड़ी निशान हमारे हिंदुओं का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है। छड़ी निशान हर हिंदू को करना चाहिए। देखा जाए तो आने वाले समय में बड़े त्योहार इंदौर शहर में मनाए जाने हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।